सबको नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे नंबर्स के बारे में, तो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स किस टाइप के आए ये हम लोगों ने बनाना सीखा था। लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो आपको मैं एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है नाउन एंड नंबर। नाउन का दोस्तों ये दूसरा जो चैप्टर होता है, नाउन आप लोग पढ़े होंगे तो नाउन को आप लोग हिंदी में बोलते हो संज्ञा। यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं और, ये एंड का एक फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर आता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखते हो NO, यही लिखते हो ना। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो नंबर आप लोगों ने लिखा है तो इसकी स्पेलिंग है NUMBER, उसकी स्पेलिंग है NUMBER। लेकिन जब भी हम लिखते हैं यहाँ पे अगर नंबर लिखते हैं तो आपको ये बताना होगा कि नंबर की स्पेलिंग में कहीं ओ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओ लिखते हैं, तो ये वाला ओ आता कहाँ से? कभी आप लोगों ने किसी से नहीं पूछा होगा, लेकिन ये आपको पूछना चाहिए था। मैं आपको बताऊँ कि ये जो नंबर है, एक वर्ड आता है जिसको आप लोग बोलते हो न्यूमेरो। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरो। इसका एन और इसका ओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? NO लिखा जाता है। और ये जो न्यूमेरो है एक अमेरिकन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये एक अमेरिकन वर्ड है। और आपने जो यहाँ पे लिखा है नंबर, ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। कौन सा इंग्लिश है? ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के गैप के कारण होता है। इसी क्रम में आज मैं आपको नाउन एंड नंबर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बेसिक तरीके से मैं आपको लेकर चलूँगा कि कौन सी चीज़ों का प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगा तो एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, ABCD से शुरू करता हूँ, तो नंबर का भी प्लूरल मैं वहीं से शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा मैं आपको यहाँ पर शुरू करता हूँ आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हम नंबर्स के टाइप की बात करेंगे। ये जो नंबर आता है वो कितने टाइप का होता है, इस पर बात करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो मैं आपको बताऊंगा, पहले को बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का कॉन्सेप्ट आप सभी लोग बाकायदे पढ़े हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं ज़ीरो प्लूरल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ज़ीरो प्लूरल। हो सकता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनके लिए ये नंबर्स नया हो। बट आप जितने भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स देखोगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो ज़ीरो प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी बुक होती है, ऑलमोस्ट एवरी बुक, आप जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनको उठा के देख लीजिए, जीरो प्लूरल आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्वेश्चन जरूर दिया रहेगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं देता है। मेरी बुक जो आने वाले 2-3 महीनों में पब्लिश होने जा रही है, उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा वो कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर, जिसको आप लोग बोलते हो म्यूटेशन प्लूरल। आप उसको बोलना म्यूटेशन प्लूरल। अब म्यूटेशन प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। अब ज़रा आता है यहाँ पे 5वां, जिसको आप लोग बोलते हो फॉरेन प्लूरल। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन। और उसके बाद आता है प्लूरल। तो ये 5 तरीके के नंबर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला है और आपका इम्पॉर्टेंट ये वाला है। कम्पटेटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सारे जो नंबर्स हैं वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब फॉरेन का मतलब आप लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर फॉरेन का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है कि इंडिया को छोड़ के बाकी क्या है? फॉरेन है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी के व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, देशज और विदेशज। ठीक उसी तरीके से फॉरेन का मतलब होता है विदेश। क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेश, यानी जो शब्द इंग्लिश ग्रामर का नहीं होता है बल्कि ग्रीक और लैटिन वर्ड का होता है, उसको हम कौन सा प्लूरल बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फॉरेन प्लूरल, ठीक है। तो ये नंबर्स जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, जिसको आप एक एक करके क्या करने वाले हो? पढ़ने वाले हो। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ज़रा आते हैं हम यहाँ पे सिंगुलर नंबर पे।
तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, क्या होता है एक वचन, सिंगल का मतलब एक और नंबर का मतलब वचन, और इसका मतलब होता है बहुवचन, क्या होता है प्लूरल का मतलब होता है बहु और नंबर का मतलब होता है वचन। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, व्हाट इज सिंगुलर नंबर, तो आप ऐसे मत एक्सप्लेन करिए कि ऐसा नाउन जिसे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर कहते हैं, ऐसा नहीं। ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन एज अ कंपटीटर अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीटर हैं आप, तो आपके लिए वो चीज़ें उन बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। सिंगुलर नंबर उसको कहते हैं जिसका प्लूरल बनता है, जिसका प्लूरल बनेगा उसको आप क्या कहोगे, सिंगुलर नंबर, यानी नाउन दैट कैन बी प्लूराइज। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे मैंने ले लिया बॉय, और यहाँ पे इसका प्लूरल क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कर लिया बॉयज़। अब सपोज करिए यहाँ पे बॉयज़ सिंगुलर नाउन है, क्यों है, क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है। ये बॉयज़ सिंगुलर तभी तक है क्यों है, क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं, प्लूरल में भी सेम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरीज़, तो सीरीज़ आपका सिंगुलर भी है और सीरीज़ आपका प्लूरल है, तब इसको किसकी कैटेगरी में रखोगे, तब आप इसको जीरो प्लूरल की कैटेगरी में रखोगे। यानी आज के बाद आपको बोलना है कि सिंगुलर नंबर उसी को कहेंगे जिसका प्लूरल बनेगा। अगर जिसका प्लूरल नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो सिंगुलर नंबर नहीं है। क्वालिटीज़ के आधार पर एक एलिमेंट को उसके फैमिली में रखा जाता है, जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसके क्वालिटी, उसके नेचर के आधार पे उसको फैमिली डिसाइड की जाती है, ये नहीं कि वही हुआ, बहुत अंतर है। ठीक है, अब ज़रा आइए मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे जो पहला तरीका है, मैं आपको बताने जाऊँ कि आपको पहला तरीका समझना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लूरल ऑफ लेटर्स, और लेटर्स जिसको दूसरे शब्दों में आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो अक्षर, या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो, वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में नंबर ऑफ़ लेटर्स होते कितने हैं, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे जो इंग्लिश में लेटर्स होते कितने होते हैं, 26। तो इन 26 का प्लूरल कैसे बनेगा। तो जब भी अगर यहाँ पे ऐसी बातें सुनने को मिले, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ए टू जेड ये जो 26 लेटर्स होते हैं, तो हर एक लेटर तो सिंगल होता है, और जब वो खुद ही सिंगुलर होता है तो उसका प्लूरल बनाते कैसे हैं और बनेगा कैसे। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट दूर होगा। जब तक डाउट नहीं है तब तक कोई सलूशन नहीं है, जब तक कोई बीमारी नहीं है तब तक कोई दवाई नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे। इसका प्लूरल बनाने का एक फंडा होता है, सपोज करिए एक वर्ड आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया ALPLE, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे पी कितने हैं, तो आप बताओगे कि दो। अगर मैं पूछूँ कि इस शब्द में कितने पी हैं, तो आपका आंसर होगा ना दो। इसका मतलब है कि अगर एक से आगे बढ़ गए, इसका मतलब प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो इसका प्लूरल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ज़रा आप समझिए कि आप कैसे इसका प्लूरल बनाएंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान तरीके से, आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए। अब ज़रा मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंगुलर, अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिंगुलर, और अब यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, अब ज़रा मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपको प्लूरल। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का प्लूरल क्या है, अगर मैंने लिख दिया बी, अब मैंने लिखा कि बी का प्लूरल, अब मैंने लिखा सी, तो सी का यहाँ पे प्लूरल, अगर यहाँ पे लिखा डी का प्लूरल, और मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा, ऐसे मैंने लिखा जेड का प्लूरल, ऐसे करते करते नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हो गए, 26 हो गए। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपने किया ए, आपने यहाँ पर किया बी, आपने यहाँ पर सी किया, आपने यहाँ पर डी किया, और आपने यहाँ पर क्या किया, जेड किया। तो ये बताइए 26 ऐसे करके आएगा ना। इन सारे लोगों पे आप क्या करोगे, आप सारे लोग यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो। अगर एपोस्ट्रॉफी एस आपने लगाया, इसका मतलब है कि इसका क्या बन गया, आपने इसका प्लूरल बना लिया। यानी एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर हम इसका क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। यानी ए से लेके जेड तक नंबर ऑफ़ लेटर्स कितना होता है, 26 होता है, और इस 26 का प्लूरल बनाने के लिए हर एक लेटर में आपको क्या जोड़ना पड़ता है, एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन पढ़ना ज़रूरी है,
क्योंकि एक्सेप्शन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा खतरे के दायरे में रहेंगे, अपवाद। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अपवाद क्या है, एक्सेप्शन होता क्या है। तो जो नियम को फॉलो नहीं करता है वही क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। जो नियम कानून को नहीं मानता हो, एनार्किस्ट, ठीक है, उसके जो मन में है वही करेगा, तो वही क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन में होता है, एक्सेप्शन में तीन चीज़ें होती हैं, आप उसको समझिए। आप यहाँ पे समझिए CPL, क्या समझिए, CPL, IPL होता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, CPL होता है। अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो ये सिंगुलर है और ये इसका क्या है, ये इसका है प्लूरल। अगर यहाँ पे सी आएगा तब उसका प्लूरल कैसे बनाओगे, अगर यहाँ पे पी आएगा तब कैसे बनाओगे, और यहाँ पे एल आएगा तब कैसे बनाओगे। तो ये टोटल जो नंबर आएगा कितना आएगा, तीन। अब सी इसमें भी है, लेकिन ये वाला सी और ये वाला सी की क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये सी फॉर कैट वाला है और ये सी फॉर कैट वाला नहीं है, ये सी फॉर सेंचुरी वाला है, मैं बता रहा हूँ। अगर इस सी का प्लूरल बनाना है तो आपको करना है डबल सी, अगर इस पी का बनाना है तो आप क्या करोगे, डबल पी, इस एल का बनाना है तो क्या बनाओगे, डबल एल, सी पी एल। अब आप पूछोगे कि सी का मतलब, तो इस सी का मतलब होगा सेंचुरी, क्या होगा, सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, क्या होता है, शताब्दी। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष होता है। यहाँ पे सी का मतलब सेंचुरी होगा, सी फॉर कैट नहीं होगा। अब ज़रा पी का मतलब यहाँ पे होता है पी ए जी ई, पेज, और पेज का मतलब क्या होता है, तो पेज का मतलब होता है पन्ना, बुक होती है तो बुक में क्या होता है, पेज होता है, ठीक है। तो वही पी वाला क्या है, पेज है, ये पी वाला पैरोट नहीं है। अगर यहाँ पे एल है तो एल का मतलब होता है दोस्तों एल आई एन ई, लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, तो लाइन का मतलब होता है रेखा, और लाइन का मतलब क्या होता है, तो लाइन का मतलब होता है वाक्य। ये आप ऐसे समझेंगे। अब ज़रा बच्चों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि सर इतना तो हम लोग मान लीजिए कि दो तरीके से बना रहे हैं, लेकिन अगर दो तरीके से बन रहा है तो हम अगर दोनों ही ऑप्शन देगा, अगर ये वाला भी ऑप्शन देगा और ये वाला भी ऑप्शन देगा, फिर हम दोनों में डिफरेंस को समझेंगे कैसे। अगर मान लीजिए कि ऐसे बनाओगे तो पी का एपोस्ट्रॉफी ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल भी बन रहा है, एल का यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी वाला भी बन रहा है तो ये वाला भी बन रहा है, तो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके बताता हूँ, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको ज़रा मैं डस्ट करता हूँ, और अगर इसको डस्ट कर दिया तो अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, और क्वेश्चन लिखा तो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा टी एच ई आर ई देयर, रुकिए ज़रा इसको पहले मैं क्लियर कर लूँ। अब देखिए, अगर आपको पहला मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर, देयर आर यहाँ पे लिखा टी डब्ल्यू ओ टू, उसके बाद आ गया यहाँ पे पी का एपोस्ट्रॉफी एस लगा लिया ए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आ गया डबल पी, ठीक है। देयर आर टू पीज और पी इन द वर्ड, इन द वर्ड यहाँ पे आ गया एप्पल, ये आपका क्वेश्चन है, और एप्पल यहाँ पे आ गया तो एप्पल में कितने पी हैं, दो पी है ना। अब ज़रा बताओ कि एप्पल एक ये वर्ड है, और वर्ड क्या है, तो ये वर्ड एक शब्द है, क्या है, शब्द है। अगर कोई भी शब्द होता है तो शब्द में पेज होता है या अक्षर होता है, आपको ये बताना है। और मैंने आपको स्पष्ट अभी बताया था कि अगर यहाँ पे पी बनेगा और पी का एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है कि ये एक एक लेटर है, और लेटर का मतलब क्या है, अक्षर है। और अगर आपने यहाँ पे बनाया है पी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पेज है। तो ये बताइए, अगर एप्पल शब्द है तो शब्द में अक्षर होता होगा कि पेज होता होगा, तो आप बताओगे कि ये जो एप्पल है ये तो शब्द है, और शब्द में क्या होगा, शब्द में अक्षर होगा। तो ये बताइए पी पे जो एपोस्ट्रॉफी एस आता है उसका मतलब ना अक्षर होता है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर इसको, अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो अब ज़रा हम आते हैं दूसरे पे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर, यहाँ पे आ गया एफ ओ यू आर टी वाई फोर टी, उसके बाद आ गया पी पे एपोस्ट्रॉफी एस ए ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया डबल पी बी ऑप्शन, ठीक है, इन दिस, और उसके बाद क्या आ गया, बुक। अब ये बताइए अगर बुक होता है तो बुक में क्या होता है, बुक में तो पेज होगा ना, क्या होगा, बुक में पेज होगा, पेज में लाइन होगा, लाइन में वर्ड होगा, और वर्ड में लेटर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बुक है तो बुक में क्या होना चाहिए था, तो बुक में दोस्तों पेज होना चाहिए था। इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला क्या है, गलत है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और ऐसे समझना पड़ेगा। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर सपोज करो कि यहाँ पे पहले कौन आता है, तो पहले मान लीजिए बुक हो गई। अगर बुक आ गया तो बुक में क्या होता है, तो बुक में पेज होता है, ठीक है। अगर पेज आएगा तो पेज में क्या होगा, पेज में लाइन होगा। अगर लाइन है तो लाइन में क्या होगा, लाइन में वर्ड्स होगा। और अगर वर्ड्स होगा तब ना यहाँ पे लेटर आएगा, ठीक है। तो लास्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारा, ये है। लेटर मिल के वर्ड बनेगा, वर्ड मिल के लाइन बनेगा, लाइन मिल के पेज बनेगा, पेज मिल के क्या बनेगा, बुक बनेगा। तो ये सिस्टम समझने का ऐसे होता है जिसको आपको कायदे से करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ज़रा हम आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। और अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो क्या करेंगे, इसका दूसरा मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आएगा प्लूरल ऑफ, यहाँ पे आएगा SHORT, शॉर्ट फॉर्म्स, प्लूरल ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स दोस्तों बोलते तो ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर में शॉर्ट फॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म नहीं बोला जाता है, बल्कि क्या बोला जाता है, बल्कि इसको बोला जाता है एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन का मतलब होता है लघु रूप। क्या होगा, इसका मतलब होता है लघु रूप, ठीक है। अब ज़रा आइए इसको ब्रिटिश अमेरिकन स्टाइल के गैप में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे इसका प्लूरल है, ठीक है। इसको ऐसे करिए, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंगुलर में दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको प्लूरल। एक ही चीज़ को दो तरीके से कैसे बनाते हैं, ज़रा उसको मैं समझा रहा हूँ, उसका ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ए, उसके बाद मैंने लिख दिया एम ए, उसके बाद मैंने लिख दिया एम पी, उसके बाद मैंने लिख दिया एम एल ए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया बी ए, यहाँ पर लिख दिया एम ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया एम पी, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एम एल ए। अब आप दोनों को देख लीजिए और दोनों में डिफरेंस ज़रा बताने की कोशिश करिए कि क्या है। आप देखोगे कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया है ना। तो जहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ होता है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश होता है। कौन सा इंग्लिश होगा, वो ब्रिटिश इंग्लिश। और जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता है वो कौन सा इंग्लिश होता है, तो वो दोस्तों होता है अमेरिकन इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश होता है, अमेरिकन। तो अमेरिकन इंग्लिश का प्लूरल दूसरे तरीके से और ब्रिटिश इंग्लिश का प्लूरल दूसरे तरीके से बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा जरा उसको ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो आपको यहाँ पे करना होगा, लिखना होगा बी ए एपोस्ट्रॉफी एस। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको करना होगा बी ए और उसके नीचे छोटा सा एस दोगे। तो इसका प्लूरल ये है और इस वाले बी ए का प्लूरल क्या है, ये वाला है। आ रहा है समझ में ना। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो आप यहाँ पे लिखोगे एम ए एपोस्ट्रॉफी एस, ये वाला प्लूरल बन गया। लेकिन अगर विदाउट एपोस्ट्रॉफी वाला, ये विदाउट फुल स्टॉप वाला है, तो एम ए नीचे छोटा सा एस, प्लूरल बन गया। अगर यहाँ पे एम पी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे बनाया इसका प्लूरल, लेकिन यहाँ पे बनाना होगा तो आपको बनाना होगा एम पीज, बन गया प्लूरल। अगर आपको यहाँ पे बनाना है एम एल ए, अब यहाँ पे ऐसे बनाओगे ना, लेकिन इसका आपको आइडिया मिल गया होगा एम एल ए, और क्या बनाओगे, एस, इसका बन गया प्लूरल। तो जहाँ पे कोई भी मार्क इस्तेमाल होता है, पंक्चुएटेड पंक्चुएशन जो आप पढ़ते हो, कॉमा, हाइफन, कॉलन, सेमी कॉलन, डॉट, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, वो सब क्या होता है, वो सब आपका ब्रिटिश इंग्लिश होता है। और जहाँ पे नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अमेरिकन स्टाइल में बनाते हैं। तो फुल स्टॉप होगा तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करिएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा तो डायरेक्ट नीचे छोटा सा क्या करिएगा, एस कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम आसान वाला मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ज़रा आपको जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, ज़रा समझिए। प्लूरल ऑफ डिजिट्स, प्लूरल ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब होता है अंक, और अंक का मतलब हो गया एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक हो गया, तो इन्फिनाइट तक। इनका आपको प्लूरल बनाना है, तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड ही पढ़ा रहा हूँ मैं जानबूझकर मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ। प्लूरल
और यहाँ पे प्लूरल, एक सिंगुलर है और दो बार प्लूरल है, क्योंकि एक ये क्वेश्चन आएगा ना, अंकों का जो डिजिट होता है, न्यूमेरिक्स होते हैं, नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, इनका प्लूरल बनाने का तरीका दो होता है, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म एक होता है और प्लूरल फॉर्म कितना होता है, दो होता है। सपोज करिए आपने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, आगे आपको जितना बढ़ना है बढ़ते जाइए। अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, अगर एक है यहाँ पे तो एपोस्ट्रॉफी है जोड़ दिया, अगर दो है तो एपोस्ट्रॉफी जोड़ दिया, तीन है तो भी एपोस्ट्रॉफी जोड़ा, चार है तो भी एपोस्ट्रॉफी जोड़ा, अगर पाँच है तो एपोस्ट्रॉफी जोड़ा, और छः है तो क्या जोड़ा, एपोस्ट्रॉफी। ये आपका प्लूरल फॉर्म है, करेक्ट है? और अगर करेक्ट है तो ज़रा आप ध्यान दो, इसका मैंने बना दिया 1 और 1 के नीचे छोटा सा एस, ये भी करेक्ट है। अगर दो है तो दो लिखा लेकिन छोटा सा एस, करेक्ट है। अगर तीन है तो तीन पे छोटा सा एस किया, करेक्ट है। अगर चार है तो यहाँ पे छोटा सा एस किया, करेक्ट है। अगर यहाँ पे पाँच है तो यहाँ पे हमने छोटा सा एस किया, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे छः है तो हमने छोटा सा एस किया, करेक्ट है। अब ज़रा मैं आपको बताऊँ, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग जो न्यूज़पेपर आता है ना, जब उसमें क्रिकेट खेल रहे होंगे लोग तो उसका स्कोर कार्ड देता है, और नहीं तो आप लोग yahoo.com पे जाइए और क्रिकेट का स्कोर चेक करिए, तो उसमें जो स्कोर कार्ड आएगा ना उसमें आपको दिखाएगा कि किस प्लेयर ने कितना बॉल खेला, कितना रन बनाया, कितना सिंगल, कितना डबल, कितना ट्रिपल, कितना चौका मारा, कितना छक्का मारा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये आपका आउटडेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है? आउटडेटेड। और ये वाला जो है, ये वाला आजकल ट्रेंडिंग में है। क्या है? ये वाला ट्रेंडिंग में है, ये वाला आप लोग यूज़ कर रहे हैं, समझ गए? तो आज की क्लास में आप लोगों ने ये सीखा कि आप लोग एस से लेके जेड तक के अक्षर का प्लूरल कैसे बनाओगे, एब्रिविएशन का प्लूरल कैसे बनाओगे और डिजिट का प्लूरल कैसे बनाओगे। ये छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको सीखना बेहद ही ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली क्लास, ये वाला जो सिंगुलर प्लूरल से बनाने का तरीका है वो समझ में आया होगा। आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, ठीक है? मिलेंगे अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।